दोस्तों आज हम देखेंगे बस्तूरा डक की कहानी। एक दिन एक डकलिंग अपने तीन बच्चों को जन्म देती है, उसमें से एक काफ़ी बस्तूरा रहता है और डकलिंग को ये लगता है कि इतना ये बहुत ही बस्तूरा दिखाई देता है और इनसे मेरे परिवार को खतरा हो सकता है। ये देखकर डकलिंग काफ़ी परेशान हो जाती है और डक को ये समझ आता है कि मैं बदसूरत होने के कारण मेरी माँ को काफ़ी परेशानी हो सकती है। ये सोचकर डक ये फैसला लेता है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन डकलिंग ये नहीं सोचती कि उसके बच्चे पर क्या गुजरेगी। लेकिन डक को पता चलता है कि मेरे वजह से मेरे दोनों भाइयों को काफ़ी परेशानी होगी। ये सोचकर डक वहाँ से जाने का फैसला करता है और आखिरकार डग वहाँ से चला जाता है। डग आगे जाकर एक झील के पास रुकता है, तभी उसे दो डकलिंग दिखाई देती है। तभी वो डकलिंग से पूछता है कि तुम मेरे दोस्त बनना चाहती हो, लेकिन दोनों ही उसे कहते हैं कि तुम हमसे अलग दिखाई देते हो, तुम हमारे दोस्त कैसे हो सकते हो। डक को काफ़ी बड़ा भुला कहने लगते हैं, लेकिन डक उनकी बात टाल कर आखिरकार वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे एक बिल्ली और एक मुर्गी दिखाई देती है और वो बिल्ली से पूछता है कि तुम मेरे दोस्त बनना चाहती हो। तभी बिल्ली उसे कहती है कि तुम्हें चूहा पकड़ना आता है। बिल्ली उसे कहती है कि तुम्हें बिल्ली के जैसा बनना होगा, तभी तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। ये सोचकर डक काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि इस दुनिया में मेरा अभी कोई नहीं है, मैं अभी यहाँ से काफ़ी दूर चला जाऊँगा। और आखिरकार डक रोने लगता है और ये सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं। ये सोचकर काफ़ी डकलिंग रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक किसान आता है और किसान डक को देखकर डक के पास चला जाता है और डक से कहता है, ए डक तुम क्यों रो रहे हो। डक उसे बताता है कि मैं बदसूरत हूँ इसीलिए रो रहा हूँ। लेकिन किसान उसे समझाता है कि तुम किसी तरह से बदसूरत नहीं दिखाई देते, कौन कहता है तुम्हें बदसूरत, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम मेरे घर चलोगे। डक उसे कहता है, ठीक है चलता हूँ। डक मनी मन घबराता है, ये किसान मुझे ले जाकर मार तो नहीं डालेगा। लेकिन किसान काफ़ी दयावान होता है और उसे वो डक पर काफ़ी दया आ जाती है, इसीलिए डक को लेकर वो अपने घर चला जाता है। डक और किसान आखिरकार किसान के घर आ जाते हैं और डग किसान का घर देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि मैं अभी यहाँ पर ही रहूँगा। किसान उसे समझाता है कि अब तुम छोटे हो इसीलिए तुम ऐसे दिखाई देते हो, तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा रूप भी चेंज हो जाएगा। ये सोचकर डग काफ़ी खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद आखिरकार डग अपने भाइयों की तरह ही दिखाई देता है। ये देखकर डक काफ़ी खुश हो जाता है और आखिरकार वो अपने परिवार के साथ चला जाता है और उसके भाई और उसकी माँ उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। देखा दोस्तों आपने, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।